अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है मटन पाया कुन्ना। तो ये कुन्ना सिर्फ मटन के गोश्त में भी बना सकते हैं, अदले का, ये जो बोंग का गोश्त होता है ये इसमें भी बन सकता है, और यही डलता है कुन्ने में ये वाला गोश्त। लेकिन ये मैं इसके पाए के साथ बना रही हूँ कि पाए इस तरह से मटन के पाए। इसके साथ जो कुन्ना बनता है उसका टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये 1 kg जो है ये मैंने गोश्त लिया है, और इस तरह से थोड़े बड़े पीस बनवाए हैं ये, ताकि गले और ये टूटे नहीं, जो बारीक बारीक टुकड़े नहीं हो जाए इसके। और ये पाए, 4 पाए हैं ये मटन के, और ये मैंने धो लिए हैं। और ये जिन खसाई साहब से हमने बनवाए थे, उन्होंने जो इसके जो आगे खुर होते हैं वो काट दिए, काट के फेंक दिए। तो आप जब ये बनवाएं तो उनसे कहें कि ये खुर ज़रूर बनाएं मटन के पाए के। तो ठीक है, ये इस तरह से है। और बाकी जो इसमें मसाले जाएंगे, उसमें ये 2 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्चें 1 teaspoon, 1 cup ऑयल, ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा 1/2 teaspoon, 1 teaspoon काला ज़ीरा, ये ज़रूर डलेगा इसमें, ये मेन इंग्रेडिएंट है इसका, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और 1/4 teaspoon जायफल जावित्री का पाउडर, 1/4 teaspoon, 1 medium size की प्याज ज़्यादा नहीं जाएगी इसमें, और ये गरम मसाला, बड़ी इलायची के दाने 3 दिए हैं मैंने, और 4 इसी तरह से 5 या 6 लौंगे ले लीजिए, 4-5, और 1 stick बड़ी दालचीनी की। और ये जितना मसाला है ये ज़ीरे समेत, इन सबको मैं कूट लूँगी या मिक्सी में पीस लूँगी थोड़ा मोटा मोटा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मीडियम साइज़ की 1 प्याज डाल दिए मैंने, और ये गोश्त डाल रही हूँ मैं बोंग का, अदले का 1 kg। और अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, और मिर्ची वगैरह ये है कि अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं आप। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 tablespoon डाल रही हूँ मैं, इसलिए कि अभी पाए मैंने अलग पतीली में रखे हैं, वो अलग बनेंगे, और फिर उसका सूप समेत वो पाए इसमें जाएंगे। 1/2 teaspoon हल्दी, 2 tablespoon लाल मिर्च का पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर जो निकाला था 1/4 teaspoon, कम जाता है ये बहुत, और ये जो मसाला मैंने निकाला था वो डाल दिया सब। नमक 1 teaspoon के बराबर डाल रही हूँ अभी मैं, इसमें और जाएगा अभी बाद में। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2, और ये जो 1/2 tablespoon बचाया है ये पाए में जाएगा। ऑयल 1 cup, और अब मैं इसमें पानी डालूँगी और पकने के लिए रखूँगी। मसाले डाल दिए हैं इसमें मैंने, और चूल्हा भी जला दिया, और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ 1-2 glass पानी। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ अच्छी तरह से, इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसका चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर दूँगी। और ये पाए मैंने रख दिए हैं और चूल्हा भी जला दिया, और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ 1/2-3, 4, 5, 6 glass पानी मैंने डाला है इसमें। और ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट बचाया था ये जाएगा, पूरा 1/2 tablespoon बचाया था, और थोड़ी सी हल्दी बस, इसमें और कुछ नहीं जाएगा। अब जब इसमें बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा
तो मैं इसको हल्का कर दूँगी। और जब ये बहुत अच्छी तरह से पाए गल जाएंगे, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं दो बर्तनों में क्यों बना रही हूँ। ये जो बोंग का गोश्त है ये थोड़ी देर में गलता है, लेकिन पाए इससे ज़्यादा देर में गलती है, इसलिए मैंने अलग रखा है। और जब ये गल जाएगा और रेशा इसका गल जाएगा और सूप की तरह बन जाएगा ये, तो इसका शोरबा हम इसमें डालेंगे, ये सूप इससे बनाएंगे। और अब मैं इसको ढक रही हूँ। और ये पाए जो पकने के लिए रखे थे इसमें बॉयल आ चुका है, इसमें सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी डालिए। ये झाग जैसे जो ऊपर आ गए ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसको उतार दें, ये उतार दें इसको, ये इस तरह से निकाल दिया है मैंने। और अब ये अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ चुका है, और अब मैं इसका चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दूँगी, जैसे दम की आंच होती है इस तरह से कर दूँगी, और ये हल्की आंच पे गलेंगे। और दूसरी तरफ जो है ये देखें, ये सालन हमारा यहाँ पे पक रहा है। और ये पानी अभी इसमें अच्छा खासा है, और अगर पानी कम हो जाए गोश्त का गले नहीं, तो इसमें गर्म पानी डालेंगे हम, ठंडा पानी नहीं डालेंगे वरना गोश्त ये ऐंठ जाएगा। और ये जब गल जाएगा तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। और अब मैं आपसे आपको ये दोनों चीज़ें जब दिखाऊंगी, जब पाए भी अच्छी तरह से गल जाएंगे और ये मूंग का गोश्त भी गल जाएगा। और ये देखिए तकरीबन भुन चुका है सालन, और गोश्त भी देखें दिखाती हूँ आपको, ये गल चुका है, ये देखें आराम से छुरी जा रही है अंदर, सॉफ्ट हो चुका है बिल्कुल। और अभी थोड़ा सा और पकेगा ये, इसमें मैं दही डाल रही हूँ। दही डाल के अच्छी तरह से भून के और फिर मैं इसको चूल्हे को बंद कर दूंगी, इसलिए कि ये वाला सालन तैयार हो चुका है। और अभी पाए गल रहे हैं, मटन के जो पाए अलग से पकाने के लिए रखे थे, वो जब तैयार हो जाएंगे गल जाएगा तो वो पाए और उन पायों का जो पूरा सूप है वो इसमें डलेगा। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा आटा डलेगा, आलन जिसे कहते हैं, आलन डलेगा, आटे को घोल के पानी में वो डालेंगे, और उससे इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी सी गाढ़ी होगी, थोड़ी सी गाढ़ी होगी, नहारी की तरह गाढ़ी गाढ़ा सालन इसका कुन्ने का नहीं होता। और प्याज भी इसमें कम ही डलती है, प्याज से भी ज़्यादा प्याज वाला खाना जिसकी ग्रेवी गाढ़ी करनी हो प्याज से उसमें डलता है, तो इसमें कम प्याज डली है, धनिया वगैरह नहीं डला है। और अब ये सिर्फ जो है ये आलन जो डलेगा आटा उससे गाढ़ा होगा। ये देखिए पाए जो हैं ये पक रहे हैं, ये अभी गले नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, रेशा इसका बिल्कुल नरम हो जाएगा। उसके बाद ये सालन में डलेंगे, सालन का गोश्त गल चुका है और इसमें नमक नहीं डाला था, पायों में सालन में डाला था, तो अब मैं ये थोड़ा सा नमक इसमें भी डाल रही हूँ। बस अब मैं इसको ढक के पकने के लिए छोड़ रही हूँ। और ये अब पाए देखें इतना रह गया है, एक से डेढ़ गिलास होगा ये सूप, और अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ, इस तरह से डाल दें एहतियात से, ये इस तरह से इसलिए डाला है, ये देखें ये छोटी छोटी हड्डियाँ खिर्चियाँ रह गई हैं, इसलिए छलनी में छाना है। और अब इस तरह से इसमें रख के, और मैं ये जो इसकी पाए की जो ये हड्डियाँ हैं वो ये देखिए, ये इसके जो ये हैं रेशे, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह देखिए गल चुके हैं, बस ये इसी तरह गलने चाहिए कि ये बिल्कुल गले हुए हैं सॉफ्ट, लेकिन ये हड्डी से अलग नहीं होने चाहिए, हड्डी से अलग हो जाते हैं तो फिर ये बुरे लगते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये। अब ये इसमें डाल रही हूँ, तो ये अब ये इसका पाए इसमें डाल दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं। अब ये तकरीबन हमारा पाया कुन्ना मटन कुन्ना तैयार है, और इसमें सिर्फ आटा आलन डालना है, ये जो आटा घोल के डाल रही हूँ मैं, इसे आलन कहते हैं। और ये देखिए ये मैंने घोल लिया है, और ये तकरीबन 25 ग्राम है, 2.5 टेबल स्पून। और अब ये मैं डालती हूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं ये आटा, और ये नहारी की जैसा थिक नहीं होता, अभी मैं देखती हूँ अंदाज़ा। तो ये हमारा पाया कुन्ना मटन पाया कुन्ना तैयार है,
और बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट सारी चीज़ें हैं। देखें, मैं दिखा दूँ उसको, ये देखें। और ये ना नहारी की तरह से बहुत ज़्यादा थिक होता है और ना पाए की तरह पतला होता है, ये इस तरह बस इतना होना चाहिए इसे, इस तरह। और अब मैं आपको सर्विंग प्लेटर में निकाल के दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसे अदरक के साथ गार्निश कर लीजिए। और देखा आपने, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनता है मटन पाया कुन्ना। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट होता है इसका ज़बरदस्त होता है। तो आप लोग ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको पूरा मुकम्मल कुन्ना मसाला की रेसिपी चाहिए, मसाला मिक्स, तो आप मेरे चैनल पे जाके कुन्ना मसाला एंड कलेजी मसाला बाय किचन विद हुमैरा सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। दोनों मसाले मैंने एक साथ दिखाएँ। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी यूट्यूब चैनल किचन विद हुमैरा को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखिए। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।